ऑफिशियल हो गया है दोस्तों, एंड इट्स सैड न्यूज, हमारा फेवरेट सुपरमैन वापस नहीं आ रहा है। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। हेनरी कैविल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कंफर्म किया कि उनकी वापसी है सुपरमैन नहीं हो रही है। मारो मुझे। उन्होंने इस पोस्ट में यह भी कंफर्म किया कि अक्टूबर में उनकी वापसी कंफर्म की थी स्टूडियोज ने, पर अब जेम्स गन और पीटर ज़ेफ़रिन एक अलग कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं जिसमें हेनरी कैविल फिट नहीं हो रहे हैं। तो वो पूरा क्लीन स्लेट वाला रूमर सही था, जहां नए एक्टर्स और कुछ पुराने जैसे जेसन मोमोआ एज लोबो नए डीसीयू के पार्ट होंगे, यानी कि ब्लैक एडम खत्म, गैल गैडोट की जर्नी एज वंडर वुमन भी खत्म, एज़्रा मिलर को तो जाना ही था, शज़ाम पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसी न्यूज को आगे बढ़ाते हुए जेम्स गन ने एक ट्वीट किया जहां उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफाई करते हुए कहा कि सुपरमैन उनके डीसीयू प्लान में है, पर फोकस एक यंगर सुपरमैन के इनिशियल डेज पर होगा जिसमें कैविल फिट नहीं बैठेंगे। एक यूजर के प्रश्न को आंसर करते हुए गन ने कंफर्म किया कि ये एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, थैंक गॉड, और नहीं देखना बैटमैन सुपरमैन का ओरिजिन स्टोरी मुझे बड़े पड़ते पर। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो हेनरी कैविल के लिए बुरा लग रहा है और डीसी के अनप्रोफेशनलिज्म पर गुस्सा आ रहा है। अगर बंदे को लेना ही नहीं था तो विचर जैसी सीरीज छुड़वाई क्यों उनसे? गन और सैफरन के अपॉइंटमेंट के बाद भी ये डिसीजंस ले सकते थे स्टूडियो वाले। हालांकि जेम्स गन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, स्नाइडर का भूत हर उस किरदार पर आके रहता जो स्नाइडर वर्स का पार्ट था, इसलिए क्लीन स्लेट जरूरी था नए डीसीयू को बनाने के लिए। कैविल के फैन के हिसाब से उनका ये आखिरी लाइन इमोशनल कर देगा सबको, जहां वो कहते हैं, फॉर दोज हु हैव बीन बाय माय साइड थ्रू द इयर्स वी कैन मॉर्न फॉर अ बिट बट देन वी मस्ट रिमेंबर सुपरमैन इज स्टिल अराउंड, एवरीथिंग ही स्टैंड्स फॉर स्टिल एग्जिस्ट एंड द एग्जांपल्स ही सेट्स फॉर अस आर स्टिल देयर, माय टर्न टू वेयर द कैप हैज पास्ड बट व्हाट सुपरमैन स्टैंड्स फॉर नेवर विल, इट्स बीन अ फन राइड विद यू ऑल Onwards and upwards. कैविल की जर्नी है सुपरमैन अनफिनिश रहेगी जो डिसअपॉइंटिंग है, पर जेम्स गन पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिसे भी कास्ट करेंगे वो क्वालिटी एक्टर ही होगा। उन्होंने कंफर्म किया कि अगले साल की शुरुआत में वो अपने डीसीयू के प्लान को खोलेंगे, जिसके लिए एज अ सुपर हीरो फैन मैं एक्साइटेड हूँ। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डीसी के इन उलट फेरों के बारे में। कुछ पुराने वीडियोस इंक्लूडिंग डीसी रिबूट पर वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे डीसीयू न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNerdyDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।